like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hey guys, hello and welcome back to our channel. मैंने चुन्नी उल्टी पहन ली. ज्योति उपाध्याय शंकर. सो हम पहुंच गए हैं और हम पहुंच के अपना नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं चुन्नी ओढ़ते ओढ़ते. दित्या को देख लेना, ठीक है? मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ. हेलो, मैं उतर जाऊँ पहले. मैंने पैसे हाय हर हर महादेव. हर हर महादेव. हम लोग आए हैं जागेश्वर धाम. जागेश्वर धाम में हम करेंगे भोले बाबा. बिल्कुल ठीक सामने मंदिर के हमने अपना रूम लिया है. ये जागेश्वर धाम का मंदिर और सामने हमारा रूम, बिल्कुल आमने सामने. बाबा जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं. शाम की आरती ग्रहण करेंगे. शाम की आरती ग्रहण करने के बाद आओ देखो इधर रुको. शाम की आरती ग्रहण करने के बाद सुबह की आरती भी ग्रहण करेंगे. उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे. बिल्कुल वाओ यार, मंदिर का गेट और सामने रूम, यही चाहिए था बस और वही हो गया है. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. चप्पल कहाँ उतारूं? चप्पल यहाँ उतार दे. जय हो भोलेनाथ शिव शंभु. जय शिवाय, ओ नमः शिवाय. मम्मी मम्मी इधर देखो, इधर देखो एक बार सब लोग. पापा 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 चलिए. मैंने पहनी, उभार उतार दी. हाँ बाहर रख दो, मेरी चप्पलों के ऊपर रख दो. यहाँ उतारी मैंने अपनी. पापा हाँ चलो, माता की कृपा से इतनी ठंडी नहीं है. तो चलिए आओ आओ. व्यवस्था हो रही है मंदिर में. आरती करते करते अब यहाँ आरती करने को मिल गई. जय भोलेनाथ. जय हो. सुनो सुनो, तिलक लगवा लिया? तिलक मेरा सुनो, एक मिनट रुको. ओम चंद्रम च महत्पुण्यम पवित्रम भावनावदारय लक्ष्मी च विशद सुखी आरोग्य दीर्घायु रहे. जय भोलेनाथ. जय गणपति महाराज की जय. जय गणपति महाराज. ओम चंद्रम च महत्पुण्यम पवित्रम भावनावदारय. बैठ लो, जगह जगह नहीं भाई. हम लोग पहुंच गए थे जागेश्वर धाम भगवान जी के ठीक सामने. तो यहाँ पे शाम का समय था, आरती शुरू होने वाली थी. तो हम सब लोग वहीं पे इकट्ठे होकर बैठे थे. जितने भी भक्त आए थे उन सबको वहीं बैठा लिया गया था क्योंकि शाम की आरती बस जस्ट शुरू होने वाली थी. तो बाबा की असीम कृपा से हमें आरती मिली. भोलेनाथ बाबा की असीम कृपा से आज हमें आरती ग्रहण करने का मौका मिला है. तो अभी हम लोग जागेश्वर धाम मंदिर में बैठे हुए आरती ग्रहण करने जा रहे हैं. आरती पर शुरू होने वाली है. हर हर महादेव.
दुखंते भोजंगा तकुनल प्रोसो नेत्रम विशालम आरती समाप्त होने के बाद हम लोग अंदर गए बाबा के दर्शन करने। तो उस वक्त मैंने कैमरा ऑफ कर लिया था बिकॉज अंदर अलाउ भी नहीं था और फिर मुझे भगवान में ध्यान भी देना था, तो इस वजह से मैंने कैमरा का अंदर का व्लॉग नहीं करा। तो बाबा के फिर हमने सब परिवार दर्शन करे, बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से दर्शन हो गए, कोई थक्का मक्की भागम दौड़ नहीं हुई, एक एक परिवार जा रहा था एक एक परिवार आ रहा था, बहुत आराम से दर्शन हो गए बाबा के। बहुत असीम कृपा है बाबा की, बाबा अपनी कृपा बनाए रखी। एक बार पहले भी जा चुकी हूँ मैं जागेश्वर धाम, लेकिन तब मेरे को आरती नहीं मिली थी शाम की, लेकिन देखिए इस बार आरती मिली हमें शाम की भी और सुबह भी जब हम पहुंचे थे। तो आप आगे देखो क्या हुआ, शाम को भी बाबा जागेश्वर धाम के दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को, रात होने को आ गई है और बाबा की आरती हम लोगों ने ले ली है और हम लोग आरती लेने के बाद अब पूरे मंदिर का सैर कर रहे हैं रात वाला। ऐसे ही केदारनाथ में भी ऐसे बना हुआ है, डिजाइन तो यही है, पत्थर के बने। हे गाइस, हम लोग रुकने हैं रात में शॉपिंग करने क्योंकि सुबह फिर हम लोग के पास टाइम नहीं होगा, हम लोग मंदिर में जाएंगे पूजा करेंगे नहाएंगे धोएंगे फिर निकलेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। इसलिए पापा मम्मी को रूम पे छोड़कर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं छोटा मोटा सामान खरीदने जागेश्वर धाम के सामने जो मार्केट लगता है मंदिर के सामने वहाँ से। उससे पहले फिलहाल तो हम उससे पहले जा रहे हैं कार में कि हमारा पानी वगैरह सब कार में रह गया था, बहुत तेज प्यास लग रही है तो पहले पानी पियेंगे फिर छोटा मोटा सामान खरीदेंगे फिर निकलेंगे कल। तो जगह भी तो अच्छी थी, जगह ऐसी थी कि रूम के आगे गाड़ी खड़ी होती ऊपर आराम से बैठो बाहर और अंदर आ जाएगा गाड़ी कहाँ गई, लेकिन दो रूमों का बहुत हो जाता ना, गाड़ी कहाँ गई। खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है, किस चीज की आ रही है, वो चाउमीन बढ़िया यहाँ देखा था मैंने। चश्मा लगाओ लगाओ नहीं लगाओ, ओहो देखे देखे। Hey guys, good morning. रूम के बाहर का व्यू देखो क्या मस्त हो पा रही है, यहाँ पे सामने मंदिर है जागेश्वर धाम, यहाँ हम मेरे पैर अभी तक गर्म नहीं हुए हैं रात भर से, इतने ठंडे पैर हो रहे हैं क्या बताऊँ आपको, इतना ठंड है यहाँ पे। सब लोग उठा लिए, मैं जा रही हूँ उठा ली, मैं रात में सो नहीं पाई थी फ्रेश होके। मैं जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ। ये देखिए घर के बिल्कुल ठीक सामने मंदिर, ये जय जागेश्वर महाराज की जय। चलो हम भी आ जाओ, तो चलो अपना नहीं है शेयर वाइट वाला। दित्या की सिंगल चोटी, चलो नीचे उतरे। जय जागेश्वर महाराज। दित्या से हाय हाय, कहाँ आई हो तुम, बड़ी हो जाएगी मेरी बेटी सब देखेगी वीडियो पे, है ना, मैं कैसे डैडी करा मेरी मम्मा ने मुझे, मैं कहाँ कहाँ गई सब देखेगी मेरी बच्ची, सब देख लेगा मेरा बाबू बड़ा होके, है ना। राम सिर बेटा राम सिर। Yeah,
हेलो, हर हर महादेव। देत्या देखे खड़े ना, देख 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 देख, बहुत प्यारा तू है। देखते हैं पापा, आप ही रह जाओ। देखते 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 रहेंगे। जागेश्वर धाम में है कुबेर महाराज जी का मंदिर, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रस्थान कर दिया। जागेश्वर धाम में जो जागेश्वर बाबा का मंदिर है उसके जस्ट बराबर में ये मंदिर है, लेकिन उसका रास्ता अलग से है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा रास्ता था। यहाँ पर दीदी अपने बाबा और पापा के साथ जीनों पर चढ़ती हुई, तो इस तरह से हम लोगों ने फिर ऊपर जाकर बाबा कुबेर के दर्शन किए महाराज जी के। और कुबेर जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर चाय नाश्ता किया, और चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जागेश्वर धाम से प्रस्थान कर दिया। हम लोग फिर वहाँ से चल दिए बेसिकली। तो इस तरह से बहुत ठंडा माहौल था, बहुत ही। भोलेनाथ बाबा की जय, हर हर महादेव, हर महादेव, जय भोलेनाथ। जल्दी बुला लो दोबारा, हर हर महादेव, हर महादेव, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम लोग निकल रहे हैं जागेश्वर धाम से, यात्रा सफल हुई। जय जय हरि, जय भोले शंकर। यात्रा हो गई हमारी, दित्या का चश्मा मम्मी लगाएंगे उनकी। गर्मी के मौसम में छुट्टी लेने का मन करता है। अब जीव सावन प्रो जागेश्वर धाम से प्रस्थान करके अब हम लोग जा रहे हैं गोलू देवता के दर्शन करने। और ये जो ये है, यहाँ से जागेश्वर धाम 28 किलोमीटर दूर है, और ये है चित्तई में। आगे मुझे पेड़ होते हैं छोटे छोटे, तो पांडे जी घर के आगे लगा, जिसको हनुमान जी के वाला करते हैं ये। हाँ, इसको विद्या कहते हैं, विद्या का पेड़। लंबे पेड़ है जी, विद्या का पेड़। बचपन में कहते थे कि इसको बुक्स में रख लो, कॉपी किताबों में रख लो, तो विद्या पढ़ती है उससे। दित्या वैसे सोती रहेंगी, जैसे गाड़ी रुकी है भगवान के दर्शन के लिए हम लोग निकले, दित्या उठ जाती है अपने आप। चेतई में गोलू देवता का धाम में हम पहुंच गए हैं। गोलू देवता के मंदिर, यहाँ पे मान्यता है कि घंटा चढ़ाया जाता है, हर एक भक्त घंटा चढ़ाता है। यहाँ पे इतने घंटे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और सारी जो मन्नतें होती हैं, जिसकी जो भी परेशानियाँ होती हैं, वो सब अपने अपने पन्नों पे लिखे जाते हैं। तब जो भक्त होते हैं वो पन्नों पे लिखे जाते हैं। मंकी, मामा दे, मामा मामा दे।